हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें, ताकि आप देख पाएं हमारे सारे वीडियो सबसे पहले। देश में इन दिनों कई मुद्दे चर्चा में बने हुए हैं। इन मुद्दों में से एक एनआरसी का मुद्दा भी काफी तूल पकड़ रहा है। वहीं इस मुद्दे को लेकर एक जज ने अनोखी अपील भी मोदी सरकार से कर दी है। केंद्र की मोदी सरकार, भारत को इस्लामिक देश होने से बचाएं। यह अपील एक जज ने की है। दरअसल मेघालय हाईकोर्ट के जज ने एक मामले की सुनवाई के दौरान ऐसी टिप्पणी की जिसका केस से कोई संबंध नहीं था। मेघालय में हाईकोर्ट के एक जज ने कहा कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी एनआरसी दोषपूर्ण है, क्योंकि इस वजह से कई विदेशी भारतीय बन गए हैं और किसी को भी भारत को एक इस्लामिक देश बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। न्यायाधीश एसआर सेन ने एक व्यक्ति की याचिका का निपटारा करते हुए एक आदेश में कहा कि उन्हें विश्वास है कि नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में इस मुद्दे की गंभीरता से समझा जाएगा। संबंधित व्यक्ति को मेघालय का नागरिक सर्टिफिकेट नहीं मिला है। न्यायाधीश ने कहा कि पाकिस्तान ने आजादी के बाद खुद को इस्लामिक देश घोषित कर दिया था। भारत को भी खुद को एक हिंदू देश घोषित कर देना चाहिए था, लेकिन वह धर्मनिरपेक्ष बना रहा। इसी दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, पारसियों, ईसाइयों, खासी, जैनियों और गारो को इस देश में शांतिपूर्वक रहने देने के लिए एक कानून बनाने की मांग की और साथ ही कहा कि इसके लिए एक समय सीमा की पाबंदी होनी चाहिए। जज ने कहा एनआरसी दोषपूर्ण है क्योंकि कई विदेशी भारतीय बन गए और वास्तव में भारत में रहने वाले लोग इस सूची से बाहर हो गए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।